कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.3 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न छठवां, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर गहरा मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो हमारे पास में क्या दिया है, सिक्कों का आकार। हम में से सब जानते हैं कि सिक्के जो होते हैं वो बेलन के आकार के होते हैं, क्योंकि किसका, सिक्कों का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। सिक्कों का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसका सीधा अर्थ है बेलनाकार सिक्के की हम त्रिज्या देखेंगे, क्योंकि क्या दिया है, बेलन का व्यास दिया है या बेलनाकार सिक्कों का हमारे पास में क्या दिया है, व्यास दिया है। ये व्यास हमारे पास में है 1.75 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी क्या त्रिज्या, इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी, इन सिक्कों की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई हमारे पास मिलीमीटर में दी है, क्योंकि ये बेलनाकार सिक्कों की ऊंचाई दी है। इन सिक्कों की ऊंचाई हमारे पास, जिसको कि हम एच कहे, वो मिलीमीटर में दी है 2 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में निकाले तो ये होगी 0.2 सेंटीमीटर। अब हम सिक्कों का आयतन, इसलिए बेलनाकार सिक्कों का आयतन, जब बेलनाकार सिक्कों का आयतन देखेंगे, मान लो कि ये क्या है, V1 है। सूत्र हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रखेंगे हम V1 बराबरी से पाए मतलब 22/7 गुणित 1.75 गुणित 1.75 और ऊंचाई हमारे पास है 0.2। इसको जब हम हल करते तो हमारे पास V1 बराबरी से जो ये माप आती है, इसको भिन्न में बदल लेते, बटे 100 कर लेंगे, तो ये मान हमारे पास कितनी, 77/160 घन सेंटीमीटर एक सिक्के का क्या आयतन आ गया। अब हम घनाभ का आयतन निकालेंगे और उस घनाभ के आयतन में सिक्के के आयतन का भाग दे देंगे, इसका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन मान लो V2 है, हम इसे सब जानते, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। V2 बराबरी से हमारे पास माप दी है 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5। इन सब का जब हम गुणा कर लेंगे तो ये माप हो जाएगी 192.5 घन सेंटीमीटर। इसलिए क्या, घनाभ द्वारा, इसलिए किसके द्वारा, घनाभ द्वारा बने काहे कि सिक्कों की संख्या तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या आयतन बटे एक सिक्के का आयतन या सिक्के का आयतन। कहने का मतलब है हमारे पास जो माप थी, कहे कि घनाभ का आयतन V2 था, सिक्के का आयतन V1 था। अगर V2 में V1 का हम क्या कर दे, भाग दे दे, तो हमको मान मिल जाएगा। तो V2 बटे V1 क्या आएगा, तो मान हमारे पास है 192.5 बटे 77/160 क्या होगा,
V2 बटे V1 बराबरी से 192.5 बटे 1 भागित नाम गुणित 160 बटे 77। तो यहाँ पर ये इसको जब हल करते हैं तो यहाँ जो उत्तर आता है वो उत्तर होता है कितना, 400। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः घनाभ बनाने के लिए, अतः घनाभ बनाने के लिए कितने 400 सिक्कों, कितने 400 सिक्कों को क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।